मनु मरिया, माही पटेल, हीरा लरडिया जैसे और भी बहुत सारे न्यू एक्ट्रेस और पुरानी एक्ट्रेस जो कि वेब सीरीज बहुत कम करने लगी है आजकल, वो सब भी वापसी कर रही है अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है कुछ अपकमिंग वेब सीरीज के बारे में जो कि आप लोगों को पता भी नहीं है। ऐसी ऐसी OTT प्लेटफॉर्म और ऐसी ऐसी वेब सीरीज रिलीज होने जा रहा है जो कि आप लोग पहले कभी सुना ही नहीं होगा नाम। तो ये अपडेट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए ऐसी अपडेट रोज पाने के लिए। तो चलिए फिर ज्यादा बातें न करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपडेट निकल के आ रहा है वो आप लोगों को शायद पता ही होगा, बुल ओरिजिनल की चुम्मा चाटी जिसमें है पीयूष सिंह, शिवांगी शर्मा। और ये सीरीज काफी हिट होने वाला है और इसके अंदर काफी अच्छा खासा सीन सस्पेंस रहने वाला है क्योंकि पीयूष सिंह का रिसेंट टाइम पे परफॉर्मेंस देखे तो काफी सही दे रही है। तो उस हिसाब से इस सीरीज में काफी अच्छा खासा सीन्स होना चाहिए। तो दूसरा अपडेट है 28, 32, 36 और जो कि रिलीज होने जा रहा है हिट प्राइम के अंदर। और इसमें कास्टिंग तो आप लोगों को पता ही है, सबकी फेवरेट है भारती झा। तो भारती झा ऊपर से हिट प्राइम कॉम्बिनेशन काफी सही है ना। जी हाँ, जैसा सोच रहे हैं आप लोग बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, भर भर के सीन सस्पेंस होने वाला है इसमें। तो ये मस्ट वॉच सीरीज में से एक रहने वाला है। अब देखना ये है कि ये चद्दर को पीछे छोड़ पाएगा कि नहीं। तो ये भी एक मस्ट वॉच सीरीज में से एक है और भारती झा है तो चीजें और थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। नेक्स्ट अपकमिंग वेब सीरीज की बात करें तो लुक एंटरटेनमेंट के अंदर लॉलीपॉप नाम से जो वेब सीरीज रिलीज होने वाला था तो वो वेब सीरीज अभी रिलीज होने जा रहा है लुक एंटरटेनमेंट के अंदर। और इसके अंदर आप लोगों को सबको पता ही है मालविका तोमार होने वाली है। और मालविका तोमार का सीन सब लोगों ने देखा ही है रिसेंट टाइम में, काफी सही सीन सस्पेंस दे रही है। तो उस हिसाब से ये वेब सीरीज को भी आप लोगों को जरूर चेकआउट करना चाहिए। अब जब रिलीज होगा तभी पता चलेगा इसका असली खेल क्या है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है लल्लू और ये आ रहा है नजर OTT पे। और नजर OTT अभी रिसेंट टाइम में कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पकड़ लो, उल्लू बोलो, हुलचुल बोलो या जो भी कोई प्लेटफॉर्म बोलो, सबको पीछे छोड़ रहा है भाई। इतना खतरनाक लेवल का सीन सस्पेंस दे रहे हैं कि भाई जितना बोले उतना कम है। तो उनका ही ये वेब सीरीज और एक सुपर डुपर हिट होने वाला है, ये भी रिलीज होने जा रहा है। ये सीरीज मस्ट वॉच सीरीज तो है ही, इसको जरूर देखना है एक बार, चाहे जैसा भी हो, अच्छा भी या बुरा इसको देखना तो बनता है। और इसके अंदर है न्यू कास्टिंग तो एक्साइटमेंट और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, अब तक जो वेब सीरीज बताया है ये तो सारे कॉमन है, मतलब कि आप सबको पता ही होगा ये सब सीरीज आने वाला है। अब जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों को पक्का पता नहीं होगा, अगर पता भी होगा तो बहुत कम लोगों को। तो चलिए पहले एक धमाकेदार वेब सीरीज की बात कर लेते हैं जो कि है गोलमाल और इसमें है अनु मौर्या और ये आ रहा है हुलचुल ऐप पे। आप समझ रहे हो ना, अनु मौर्या वापस ही आ रही है एक धमाकेदार वेब सीरीज के साथ, वो भी हुलचुल के साथ। तो आप लोग पहले से ही सोच सकते हो ये वेब सीरीज किस लेवल का हो सकता है क्योंकि अनु मौर्या है और ऑडियंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इसको लेके। काफी दिनों बाद कोई वेब सीरीज में आ रहा है तो इसका हाइप बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये भी मस्ट वॉच सीरीज में से एक रहने वाला है। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये एक न्यू OTT के बारे में है, मतलब एक न्यू OTT इसके अंदर एक कमाल की वेब सीरीज रिलीज होने जा रहा है जिसका नाम है फंस गया बाबुआ जी। नाम थोड़ा हटपटा सा है और ये आ रहा है सूत्रफ्लिक्स ऐप पे जो कि बिल्कुल नया ऐप है। और साथ में लेके आ रही है न्यू कास्टिंग जिनका नाम है आशमा शायद। काफी खूबसूरत है और काफी वर्सेटाइल भी लग रहा है इनकी इंस्टा प्रोफाइल देख के। तो उस हिसाब से न्यू कास्टिंग को लाना न्यू OTT के साथ काफी बड़ी बात है क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है जब भी कोई न्यू OTT रिलीज होता है तो ज्यादातर पॉपुलर फेस को लेते हैं ताकि उनकी OTT का प्रमोशन भी हो जाए। बट ये लोग भाई न्यू है, खुद न्यू है पर न्यू एक्ट्रेस को लेके आ रही है, हैट्स ऑफ भाई, काफी सही है। तब देखते हैं ये सीरीज जब रिलीज होगा तब बात करेंगे कि ये OTT प्लेटफॉर्म और ये सीरीज क्या इस मार्केट पे टिक पाएगा कि नहीं। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें ये भी एक न्यू OTT प्लेटफॉर्म के बारे में है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स प्ले। इनकी नेक्स्ट वेब सीरीज आ रहा है मिस रोजी और जिसके अंदर है पॉपुलर फेस रुक्स खंडागिले। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्यादातर OTT वाले जो कि न्यू है वो पॉपुलर फेस को ही लेते हैं और ये इसका जीता जाता एग्जांपल है। तो सही है, कुछ गलत बात नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी OTT का भी तो प्रमोशन होना चाहिए। तो रुक्स खंडागिले और साथ में होने वाली है द OG मतलब की पुरानी खिलाड़ी हीरा लरडिया, ये दोनों साथ में न्यू OTT के साथ क्या धमाल मचाएगा ये तो सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब देखते हैं जब रिलीज होगा तब बात करेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है कंगन OTT की तरफ से जो कि अभी अभी कुछ दिनों पहले बिजली नाम की एक सीरीज में रिलीज किया था। तो अभी उनका ही एक वेब सीरीज आ रहा है जिनका नाम है एक रात और इसमें कास्टिंग होने वाली है कमलिका चंद्रा और तीर्थी बेरा। भाई मैं पहले ही बताया आप लोगों को कि जो वेब सीरीज लगभग छोड़ ही चुके थे वो लोग भी अभी वापसी कर रही है अपनी अपकमिंग वेब सीरीज के साथ और उसके अंदर दाऊजी है कमलिका चंद्रा। और कंगन OTT 6 महीने
गायब था भाई, अभी अचानक से एक के बाद एक वेब सीरीज रिलीज कर रहा है। काफी सही बात है यार। चले हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो अच्छा ही है, जितना वेब सीरीज रिलीज हो होने दो, हम लोगों को देखने से मतलब है। तो कमालिका चिंद्रा जैसे कि आप लोगों को पता ही है, काफी ओजी है, काफी पुरानी खिलाड़ी है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। इनका ये वेब सीरीज आ रहा है तो ये मस्ट वॉच सीरीज में से एक पक्का होने वाला है। और कंगन का पिछला रिकॉर्ड देखे तो काफी सही है, सीन्स के मामलों में काफी सही जाता है। अब जब ये रिलीज हो जाएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। और भाई नेक्स्ट जो अपडेट है, ये भाई कहां से आ गया मेरे को पता नहीं, कुकू ऐप वापस आ गया। जी हाँ, ये कुकू ऐप की अपडेट है। कुकू ऐप रिलीज करने जा रहा है काढ़ा नाम से एक वेब सीरीज, और जिसके अंदर है एलेंड्रा बिल। और एलेंड्रा बिल का करियर का शुरुआत इसी कुकू ओटीटी के साथ हुआ था, और वापस से उनकी पीक टाइम पे कुकू ऐप के साथ ये सीरीज रिलीज करना काफी बड़ी बात है। और कुकू ऐप की पिछला रिकॉर्ड देखे आप लोगों को सबको पता ही है, क्या धमाकेदार और क्या मजेदार सीन्स देते थे। अगर उस लेवल का सीन्स अभी भी देखने को मिल जाए तो भाई गलत लेवल का मजा है भाई। तो कुकू ऐप से तो काफी उम्मीद है, अब देखते हैं। साथ में एलेंड्रा बिल है तो उम्मीद बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, एक्सपेक्टेशन पीक पे पहुंच जाता है। तो चलिए जब रिलीज होगा तब इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है मूवी ओटीटी की तरफ से। आप सबको बताइए, जो होमी ऐप था उनका नाम चेंज करके मूवी कर दिया है, तो उनके तरफ से एक वेब सीरीज आ रहा है अर्जी अखबार में, और इसके अंदर है प्रियंका चौरसिया और माही महीम। जी हाँ, प्रियंका चौरसिया है तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये मूवी वालों की रिकॉर्ड कुछ खास है नहीं, सीन्स के मामलों में बहुत बेकार है। मतलब जो सोच के आप लोग देखोगे उस लेवल का मजा आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो प्रियंका चौरसिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज में काफी अच्छा खासा सीन्स देखने को मिलेगी। अब सब मूवी वालों के ऊपर ही है, ये लोग कैसे सीन्स देते हैं उनके ऊपर सारी चीज डिपेंड करते हैं। तो बस यही था कुछ अपडेट जो आप लोगों को देना था। अब मेरे अनकट भाइयों के लिए थोड़ा बहुत अपडेट है मेरे पास, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो एक तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, हॉटएक्स वीआईपी के अंदर एक वेब सीरीज चल रहा है जिसका नाम है हवस, और उनके अंदर है आनम खान, काफी पॉपुलर फेस है और ये एक्सट्रीम लेवल का है क्योंकि पोस्टर में लिखा ही है, आप लोगों ने शायद देखा रहेगा। तो अगर ये सच में एक्सट्रीम लेवल का है तो फिर काफी सही है भाई, क्यों आनम खान काफी पॉपुलर फेस है। अगर उनका अनकट देखने को मिल रहा है तो एक्साइटमेंट सबके अंदर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो नेक्स्ट और एक अनकट की बात करें तो लाइटर नाम से मॉडेक्स वीआईपी के अंदर एक प्रीमियम अनकट रिलीज होने जा रहा है, और ये भी काफी सही है, काफी पॉपुलर फेस है। इनका अनकट तो पहले देख चुके हैं, फिर भी स्टोरी तो न्यू होगा, स्टोरी के हिसाब से ही देख लेंगे। तो यही था टोटल अपडेट जो आप लोगों को देना था। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो सारी वेब सीरीज मैंने बताए हैं, कौन कौन सी वेब सीरीज के बारे में आप लोगों को पता था, और कौन कौन ओटीटी के बारे में आप लोगों को पता था। अगर पता हो तब भी बताइएगा, अगर नहीं पता था तब भी बताना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी दूसरे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बाय बाय एंड पीस।